इस साल जनवरी में सेबी ने 7 कमोडिटी वायदा की ट्रेडिंग पर रोक लगाई थी। तब कहा गया था कि इससे कीमतों में आई तेजी पर रोक लगेगी, लेकिन अब तक कई रिपोर्ट सामने आ चुके हैं जिन्हें देखने से साफ पता चलता है कि वायदा ट्रेडिंग पर रोक के बाद कीमतें बढ़ी ही हैं। ऐसे में वायदा ट्रेडिंग पर रोक लगाना सही है? स्पॉट और वायदा कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और सबसे बड़ा सवाल कि वायदा ट्रेडिंग पर रोक लगाना कहां तक सही है? दरअसल देश में वायदा कारोबार के इतिहास पर नजर डाले तो 1875 में बॉम्बे कॉटन ट्रेड एसोसिएशन बना, वहीं 1952 में FCRA, 1953 में FMC का गठन हुआ, जबकि 2000 में नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी की स्थापना हुई। वहीं साल 2003 में नई कॉमोडिटी शामिल हुई, जबकि 2015 सेबी मार्केट रेगुलेटर बनाया गया। दरअसल कॉमोडिटी वायदा का उद्देश्य कॉमोडिटी बाजार में हेजिंग की सुविधा देना और सही कीमत का निर्धारण करना था, और वहीं ग्लोबल बाजारों में कॉमोडिटी मार्केट की अहम भूमिका देखने को मिली है। कॉमोडिटी वायदा हेजिंग के लिए इस्तेमाल होता है। हाल ही में अमेरिका चीन में वायदा ट्रेडिंग बढ़ी है। चीन में कीमत तय करने में वायदा की अहम भूमिका होती है और यह जोखिम कम करने में मददगार होता है और इससे पारदर्शिता को भी बढ़ावा मिलता है। वायदा से इंटरनेशनल कारोबार में भी मदद देखने को मिलती है। दरअसल जोखिम कम करने में मददगार होता है वायदा कारोबार। वायदा से पुट ऑप्शन का भी फायदा मिलता है और पुट ऑप्शन भी जोखिम कम करने में मदद करता है। वायदा से हेजिंग का भी फायदा मिलता है और साथ ही वायदा कॉन्ट्रैक्ट से कच्चे माल की खरीद होती है। ये किसानों के लिए सही कीमत देने में मददगार होता है। वायदा से डिमांड सप्लाई से कॉमोडिटी की कीमतें तय की जाती हैं। दरअसल कॉमोडिटी वायदा पर अब किस कॉमोडिटी पर कितनी रोक लगी, अगर इसके इतिहास पर नजर डाले तो सबसे पहले 2005 में रॉ जूट पर रोक लगाई गई थी, जिसके बाद 2007 में चावल, गेहूं, तुअर और उड़द पर रोक लगाई गई। वहीं 2008 में सोया ऑयल, रबड़, चना के वायदा पर रोक लगाई गई और फिर कॉमोडिटी सरसों की ट्रेडिंग पर 8 अक्टूबर 2021 को रोक लगी। ट्रेडिंग रुकने के बाद भी इन सब की कीमतों में तेजी जारी है। बैन के बाद भी अब देखा जाए तो खाने के तेल लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहीं भी उनकी कीमतों में गिरावट का कोई भी अंदेशा दिखाई नहीं दे रहा, और जानकारों का कहना है कि त्यौहारी सीजन के चलते अभी खाद्य तेलों की कीमतों में और उछाल दर्ज किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।